बेलगहना वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख की लकड़ी के साथ वाहन भी किया जब्त। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। संक्रमितों की संख्या अब रोजाना 10,000 को पार कर गई है। वहीं इससे होने वाली मौतों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए राज्य की भूपेश सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। वहीं दुर्ग रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। साथ ही संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अन्य जिलों में भी लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वर्ष बसंत चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाई जाएगी। वहीं धर्मनगरी के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान लाखों की संख्या में भक्त पहुंचकर मां महामाया देवी के चरणों में मत्था टेक कर देवी मां से आशीर्वाद लेते हुए अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि मां महामाया देवी रतनपुर के मंदिर में विश्व की सबसे ज्यादा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है, लेकिन विगत वर्ष कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ज्योति कलश प्रज्वलित नहीं की गई थी। वहीं लोगों के लिए दर्शन हेतु मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में जिस प्रकार समय न्यूज को जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार इस वर्ष भी आम लोगों के लिए मां महामाया देवी मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। वहीं नवरात्र में जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उसे मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत रूप से संपन्न किया जाएगा। इस संबंध में ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील सोनथलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवरात्रि पर्व में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आम लोगों के लिए दर्शन हेतु मां महामाया देवी मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रविवार 11 अप्रैल को मां महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ज्योति कलश प्रज्वलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर ट्रस्ट सभी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। रतनपुर से समय न्यूज के लिए रवि ठाकुर की रिपोर्ट।